नमस्कार डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। वाराणसी से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। यहां दो बेटियां अपनी मां के शव के साथ लगभग एक साल तक घर में रही। जी हां, बता दें मां का शव कंकाल बन गया था लेकिन बेटियों ने उसका अंतिम संस्कार नहीं करवाया। इस दौरान वो घर में जन्मदिन की पार्टी आदि सेलिब्रेट करती रही। पिछले कई दिनों से जब बेटियां घर से नहीं निकली तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना रिश्तेदारों को दी, जिसके बाद रिश्तेदार घर पहुंचे। वहां उन्होंने ऐसा मंजर देखा कि उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, वहीं कंकाल बन चुके शव को घर से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस मृतका की दोनों बेटियों से पूछताछ कर रही है। उनसे शव को घर में रखने का कारण जानने का प्रयास हो रहा है। ये पूरा मामला लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट चौकी अंतर्गत आने वाले मदरबा का है, जहां एक सुनसान इलाके में स्थित घर से पुलिस ने 52 वर्षीय युवती का शव बरामद किया है।